मित्रों, आज मैं आपको अपना एक लेख पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। इस लेख को मैंने आज ही पूरा किया है और इसका शीर्षक है तालिबानी राजनीति के प्रतिरोध की समस्या है। तालिबानी राजनीति का संदर्भ आप समझ सकते हैं, हमारे देश की वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति से ही है। इसके प्रारंभ में मैंने यान कर्सा की किताब द नाजी डिक्टेटरशिप परस्पेक्टिव ऑफ इंटरप्रिटेशन का एक उद्धरण दिया है। वह इस प्रकार है, कोट, नाजीवाद एक ऐसी परिघटना है जिसकी कोई तार्किक व्याख्या मुमकिन नहीं है। आश्विच के सामने इतिहासकार की व्याख्या की ताकत बौनी नजर आती है। नोटबंदी, इसके आगे नोटबंदी के संदर्भ को उठाते हुए मैंने अपनी बात को रखा है कि नोटबंदी अर्थव्यवस्था पर क्या असर डालेगी। आर्थिक विषयों का जानकार हर व्यक्ति इसे जानता, फिर भी यदि जहर को चखकर जब आपको उसका स्वाद जानने का भूत सवार हो तो आपको मरने से कौन बचा सकता है। इसके अलावा कभी कभी आदमी किसी के झांसे में आकर भी मरण छलांग लगा लेता है। मसलन ऐसे तथ्य भी सामने आए हैं कि मोदी जी ने नोटबंदी की तरह का कदम कुछ अमेरिकी सलाहकारों के कहने पर उठाया था। वे देखना चाहते थे कि किसी भी देश में इस प्रकार के उथल पुथल मचाने वाले, सैद्धांतिक तौर पर आत्मघाती समझे जाने वाले कदम के वास्तविक सामाजिक परिणाम क्या हो सकते हैं। उन्हें मोदी जी की तरह का एक आर्थिक नीतियों के मामले में अबोध नेता मिल गया जो भला बुरा कुछ भी उठपटांग करके अपनी छाती पर बहादुरी का तमगा लगाने के लिए आतुर था। भारत को बलि का बकरा बना दिया गया। अब नोटबंदी के सारे परिणाम सामने आ रहे हैं। कुछ परिणाम तो उसी समय आ गए थे जब बिना पूरी तैयारी के यह कदम उठाया गया था। बाजार में सिर्फ नकदी की कमी होने के कारण एक झटके में लाखों लोगों के रोजगार चले गए। मजदूर सिर्फ जिंदा रहने के लिए शहरों को छोड़कर गांव चले गए थे। हजारों की संख्या में लघु और मझोले उद्योग बंद हो गए। किसानों की साग सब्जी जैसी फसल का कोई खरीदार न होने से उन्हें उनका दाम तक नहीं मिल पाया। बुआई के काम को भारी नुकसान हुआ। लोगों की शादियों तक में अकल्पनीय परेशानी हुई। लगभग 50 दिनों तक पूरी अर्थव्यवस्था ठप रही। आशंका के मुताबिक ही सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में गिरावट आई। यूपी चुनाव को देखते हुए केंद्र सरकार ने आंकड़ों को कूटने की पद्धति बदल कर दिखाने की कोशिश की थी कि जीडीपी में बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं आई है, लेकिन जब निवेश के सभी आंकड़ों में गिरावट है, बैंकों से ऋण की मात्रा घट रही है, विदेशी निवेश भी कम हो रहा है और आंखों के सामने बंद हो चुके कारखाने खुलने का नाम नहीं ले रहे हैं, तब किसी एक आंकड़े की हेराफेरी करके सामाजिक यथार्थ को झुठलाया नहीं जा सकता है। हाल के रिजर्व बैंक के आंकड़ों से पता चलता है कि मोदी सरकार पहली ऐसी सरकार है जिसके 3 साल के शासनकाल में भारत के निर्यात में 4.7% की गिरावट आई है। इसके पहले मनमोहन सिंह के नेतृत्व की के दो का 2004 से 2008 और 2009 से 2014 में क्रमशः 24.4 और 19.1% की वृद्धि हुई थी। अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल 1998 से 2004 में भी 14.1% की वृद्धि हुई थी। यूपी चुनाव के बाद वहाँ अवैध बूचड़खानों पर पाबंदी के नाम पर मांस के कारोबार को जिस प्रकार प्रभावित किया गया है, उसका न सिर्फ घरेलू बाजार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा बल्कि बीफ के निर्यात के हजारों करोड़ का कारोबार मुश्किल में पड़ा दिखाई दे रहा है। अभी भाजपा सरकारों के बीच ये साबित करने की होड़ लगी हुई है कि कौन कितना बड़ा गोभक्त है। यूपी का मुख्यमंत्री मनुष्यों से ज़्यादा गायों की सेवा के लिए अपनी आतुरता दिखा रहा है, तो गुजरात सरकार ने गो हत्या को मनुष्य की हत्या के समान अपराध घोषित कर दिया है। यह सब पशुपालन से जुड़ी कृषि अर्थव्यवस्था के हितों की पूरी तरह से अनदेखी करते हुए सिर्फ धार्मिक विश्वासों और उन्माद को हवा देने के लिए किया जा रहा है। पूरे देश में गो गुंडों की एक फौज तैयार हो गई है जो किसी भी व्यक्ति को, खासतौर पर मुसलमानों और दलितों को, गाय संबंधी किसी भी अपराध में शामिल कर बताकर उसे सता सकता है। यूपी में मांस के कारोबार से जुड़े लाखों लोगों के रोजगार पर खतरा पैदा हो गया है। मध्य प्रदेश और झारखंड के भी
क्रमशः उसी दिशा में बढ़ने के समाचार आ रहे हैं। इसके साथ ही भारत में हमेशा से एक अलग प्रकार का नैतिकतावादी राजनीतिक अभियान चलता रहा है, शराबबंदी का। नशे का अपना एक समाजशास्त्र और मनोविज्ञान है। लंबे कालक्रम में खासतौर पर शराब का तो एक स्वतंत्र अर्थशास्त्र भी विकसित हो गया है, इसीलिए इसके बारे में एक तरफा निर्णय करना मुश्किल होता है। कह सकते हैं राजनीतिक अर्थशास्त्र का यह एक गैर अर्थशास्त्रीय विषय है। भारत में यह समाज सुधार आंदोलनों का भी हिस्सा बन गया है। अनुभव बताता है कि इस पर रोक की अब तक की सारी कार्रवाई उतने ही बड़े पैमाने पर इसके गैर कानूनी उत्पादन और कारोबार का कारण बन जाती है। गुजरात में जहाँ काफ़ी पहले से शराबबंदी है, रिपोर्ट बताती है कि वहाँ शराब की खपत में कोई कमी नहीं आई है। इधर बिहार में शराबबंदी और यूपी में मांसबंदी के बाद एक चुटकुला चल पड़ा है, बिहार में कबाब खाओ और यूपी में शराब पियो। सुप्रीम कोर्ट ने भी सभी प्रकार के हाईवे के 500 मीटर के दायरे में शराब की बिक्री पर पाबंदी लगाकर देश भर में इसके लाखों करोड़ों रुपए के कारोबार को अस्त व्यस्त कर दिया है। शराब की दुकानों के अलावा लाखों की संख्या में हाईवे पर होटलों और रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं। इनमें सैकड़ों फाइव स्टार होटल भी है। इन सब में काम करने वाले लाखों लोगों के रोजगार का क्या होगा, कहना मुश्किल है। ऊपर से मोदी जी ने बड़े पूंजीपतियों को सस्ता कर्ज देने से बैंकों को होने वाले घाटों से बचाने के लिए आम लोगों की जमा राशि पर ब्याज की दरों को गिराना शुरू कर दिया है। सरकार की अपनी सभी लघु बचत योजनाओं, मसलन EPF, PPF, किसान विकास पत्र आदि पर ब्याज की दर को गिराते हुए वहाँ तक पहुँचा दिया गया है जहाँ वे पहले कभी नहीं थी। इससे आम लोगों में अपनी बचत से होने वाली कमाई पर भरोसा कम हो रहा है। कुल मिलाकर अर्थनीति की स्थिति कुत्ता खाए अंधा पीसे वाली है। इन सब का कुल जमा परिणाम यह है कि आमदनी में सुरक्षा के बारे में निश्चिंत न होने से आम आदमी अपने नितांत जरूरी चीज़ों के अलावा एक भी पैसा खर्च करने से हिचकने लगा है। बाजार आज भी खाली दिखाई देते हैं। हर बीतते दिन के साथ अर्थव्यवस्था में मंदी ज़्यादा से ज़्यादा गहरी होती जा रही है। बाजार में खरीदार नहीं होगा तो उद्योगपति भी किनके लिए मालों का उत्पादन करेंगे, अर्थात आर्थिक विकास की संभावनाएं भी दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। बेरोजगारों को रोजगार अब मोदी का जुमला भी नहीं बचा है। इसके विपरीत नौजवानों को एंटी रोमियो स्क्वाड, गोरक्षक और हिंदू सेना, हिंदू जागरण की तरह के मंचों पर अधिक से अधिक उतारा जा रहा है। आक्रामक हिंदू चेतना के उन्माद के नशे से एक बार के लिए जीवन की दूसरी समस्याओं की ओर से उन्हें उदासीन रखा जा रहा है। आज देश के हर छोटे बड़े शहर में हिंदू जागरण के बड़े बड़े आयोजन किए जा रहे हैं। तलवारें लहराते हुए नौजवान बड़े बड़े प्रदर्शनों में भाग ले रहे हैं। जहाँ भी चुनाव होने वाले होते हैं, संगठित तरीके से वहाँ पहले से सांप्रदायिक दंगे कराए जाते हैं ताकि चुनाव उस सांप्रदायिक उन्माद की भेंट चढ़ जाए। यूपी में पिछली सरकार के कार्यकाल में लगभग 700 सांप्रदायिक दंगे कराए गए। इसी साल गुजरात में चुनाव होने जा रहे हैं, वहाँ भी दंगों का सिलसिला शुरू हो गया। इसी 28 मार्च को अहमदाबाद से सिर्फ 120 किलोमीटर दूर उत्तरी गुजरात के मुस्लिम बहुल बादावली गांव पर बगल के गांव से आए 5,000 सशस्त्र लोगों ने हमला करके वहाँ के मुखिया इब्राहिम बेलिम की हत्या कर दी। दर्जनों घरों में आग लगा दी, बहुत से लोगों को जख्मी कर दिया। आशंका की जाती है कि आगामी दिसंबर महीने के पहले, जब गुजरात में विधानसभा के चुनाव होंगे, पूरे देश में इस प्रकार के कई दंगे कराए जाएंगे। 2018 के प्रारंभ में त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश की विधानसभाओं के चुनाव भी होंगे। यूपी को गर्व रख के बाकी सभी राज्यों में खास प्रकार का सांप्रदायिक संदेश पहुँचाया जाएगा। एक ओर आर्थिक क्षेत्र में विफलता, उपलब्धि के नाम पर शून्य बल्कि चौतरफा पतन, और दूसरी ओर इस प्रकार का सांप्रदायिक हिंसा का माहौल, यह सब एक भारी दुष्चक्र का रूप लेता जा रहा है, जिसे यदि एक शब्द में व्याख्यायित किया जाए तो कह सकते हैं कि भारत में तालिबानी अर्थनीति के दिनों की शुरुआत हो गई है। वे दिन दूर नहीं जब एक दूसरे के खून के प्यासे AK-47 चमकाते लोगों के हुजूम एक सिरे से दूसरे सिरे तक
दौड़ते भागते दिखाई देंगे और पृष्ठभूमि में सिर्फ और सिर्फ पद्मावशेष होंगे। स्वच्छ भारत के शोर के पीछे सबसे सड़े हुए शहरों का देश, मेक इन इंडिया के नारों के पीछे बंद कल कारखानों का देश, सबका साथ सबका विकास की बातों के पीछे सांप्रदायिक भेदभाव, घृणा और नफरत का नंगा खेल। अर्थव्यवस्था को जड़ बना देने का अर्थ है उसे मृत घोषित कर देना, और उसमें गिरावट का मतलब है इस लाश में सड़ांध का पैदा होना। सब चीज़ों का सड़ना, घर घर में संकट, हवा में बारूद की गंध, गुंडों माफिया गिरोहों के हाथ में देश के हर कोने का शासन, रंगदारी दंगे और हर आदमी का सिर्फ और सिर्फ खून का प्यासा दिखाई देना, यही तो है तालिबानी राजनीति और अर्थनीति का सच। थोड़ा सा भी ध्यान से देखें तो पाएंगे कि इस सच के सारे लक्षण अब दिखाई देने लगे हैं हमारे यहाँ भी। आज का सबसे डरावना सच यह है कि क्रमशः संवेदनशील आदमी प्रधानमंत्री मोदी और योगी की तरह के नेताओं में हरकत मात्र से डरने लगा है। आदमी में लाश के प्रति हमेशा एक प्रकार का डर का भाव होता है, लेकिन वो उससे भी ज़्यादा तब आतंकित हो जाता है जब वो लाश में अचानक कोई हरकत देखता है। लाश के क्रियाकर्म के लिए तैयार हो चुके आदमी के लिए यह हरकत एक भारी खौफ की तरह की होती है, और वह भूत भूत कहकर भागने लगता है। अब क्रमशः हम उस स्थिति की ओर जा रहे हैं। लोग मनाने लगे हैं कि ये मोदी योगी कंपनी निश्चेष्ट लाश की भांति पड़े रहे तभी तक गनीमत है। इनमें हरकत के संकेत तो इनके लाश रूप से भी ज़्यादा डरावने होंगे। नोटबंदी, मांसबंदी, गो गुंडों की भेदगी, इनके पास ऐसी भयावह चीज़ों के अलावा देने के लिए शायद कुछ नहीं है। ये ऐसी ही और कोई विपदा लाए, इससे अच्छा है कि किसी आलसी अजगर की तरह जंगल के किसी खो में चुपचाप बैठे रहे। उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों की विधानसभा के चुनाव परिणामों के बाद अब जरूरी है कि फिर एक बार हम पूरे राष्ट्र की राजनीति की इस परिस्थिति के बारे में नए सिरे से विचार करें। हम देखें कि क्या अर्थ है इस बात का कि मोदी सरकार की तमाम विफलताओं और नोटबंदी की तरह के पूरी तरह से विवेकहीन कदम के बावजूद, जिसमें देश के तमाम गरीब किसानों और शहरों के अनौपचारिक क्षेत्र के मजदूरों, मध्यम वर्गीय परिवारों को अकल्पनीय मुसीबतों का सामना करना पड़ा है, भारत में दक्षिण पंथ के प्रति जन समर्थन में अब तक किसी खास गिरावट का संकेत नहीं मिल रहा है। यह सच है कि पंजाब में कांग्रेस के हाथों अकाली भाजपा गठबंधन को भारी हार का मुंह देखना पड़ा। गोवा में भी शासक दल होने के बावजूद भाजपा हारी। मणिपुर में लंबे अरसे से कांग्रेस का शासन होने पर भी कांग्रेस ही सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सामने आई, लेकिन देश के हिंदी हृदय केंद्र उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बिना किसी लहर के भाजपा की जो भारी जीत हुई है वह किसी भी राजनीतिक पर्यवेक्षक के सामने कई नए सवाल खड़ा करती है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के अलावा गोवा और मणिपुर में जिस प्रकार की नग्न बेशर्मी के साथ पराजय के बावजूद भाजपा के नेतृत्व की सरकारें बनाई गई, उनसे भाजपा की राजनीति की दिशा का पूरा अनुमान किया जा सकता है। ऊपर से ईवीएम मशीनों की विश्वसनीयता के बारे में कि इनसे कभी भी छेड़छाड़ की जा सकती है, जितने गंभीर सवाल उठे हैं वे इस पूरे प्रसंग को और भी जटिल बना दे रहे हैं। जहाँ तक पंजाब का सवाल है, वहाँ कांग्रेस के बाद दूसरे स्थान पर जिस प्रकार आम आदमी पार्टी का उदय हुआ है, उसी से साफ है कि वहाँ जनता इतनी बड़ी संख्या में अकाली भाजपा गठबंधन के विरुद्ध उतर पड़ी थी कि भाजपा के लिए कांग्रेस को सरकार बनाने से रोकना लगभग असंभव हो गया था। कुल मिलाकर यह भारतीय राजनीति की कोई सामान्य स्थिति नहीं है। अगर हम दुनिया के इतिहास के तथ्यों की रोशनी में इस पूरे घटनाक्रम की थोड़ी सी गहराई में जाए तो इस सच्चाई को देखने से चूक नहीं सकते हैं कि आज का भारत वास्तव में 1933 से 1945 हिटलर के उत्थान और पतन के काल के यूरोप की तरह के एक भयंकर राजनीतिक गृह युद्ध में के दौर में प्रवेश कर चुका है। इसे किसी भी मायने में सामान्य राजनीतिक घटनाचक्र के उन मानदंडों से नहीं समझा जा सकता है जिनमें जनतांत्रिक मर्यादाओं के नाम पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आपस में कुछ तालमेल बैठा कर जनतांत्रिक राजनीतिक ताने बाने को कायम रखा जा सकता है। इसमें स्पष्ट तौर पर भारतीय राजनीति की दो परस्पर विरोधी धाराओं के बीच
एक प्रकार के सीधे युद्ध के लक्षणों को देखा जा सकता है। 1933 के बाद के यूरोप में जैसे एक ओर 18वीं सदी के ज्ञान प्रसार और रूस की समाजवादी क्रांति की ताकतें थीं, तो दूसरी ओर पश्चिमी सभ्यता के सारे मान मूल्यों को पूरी बर्बरता से कुचल डालने के लिए तत्पर हिटलर, मुसोलिनी और उधर जापान में तोजो की सरकारों सहित यूरोप के सभी देशों में दक्षिण पंथ का एक सामान्य उभार था। बिल्कुल उसी तर्ज पर हमारे यहाँ एक ओर आज़ादी की लड़ाई और उससे जुड़े जनतांत्रिक धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय के मूल्यों की ताकतें खड़ी है, जो ये मानती है कि इन मूल्यों के बिना देश की एकता और अखंडता तथा स्थिर विकास को जारी रखना संभव नहीं होगा। वहीं दूसरी ओर भाजपा के नेतृत्व में दक्षिण पंथी सांप्रदायिक ताकतें हैं, जो अपने जन्मकाल से आज तक आज़ादी की लड़ाई और उसके जनतांत्रिक सामंतवाद विरोधी मूल्यों के खिलाफ रही है, और जो ये मानती है कि आक्रामक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण पर टिके उग्र राष्ट्रवाद और हिटलरी एकनायकत्व के केंद्रीकृत शासन से ही भारत महान बन सकता है। आज़ादी को तो वे हिंदुओं की पराजय मानते रहे हैं। एक ओर कांग्रेस वामपंथी ताकतें और सामाजिक न्याय की ताकतें हैं, वहीं दूसरी ओर भाजपा, शिवसेना और दूसरी क्षेत्रीय संकीर्णतावाद पट्टी की ताकतें हैं। चुनाव आदि के मौक़ों पर उनके साथ सभी दलों के अवसरवादी तत्व भी जमा हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के चुनावों के वक्त खुद मोदी जी ने बैठकर देश के तमाम कोनों से अपने दक्ष राजनीतिक कार्यकर्ताओं की फौज को चुनाव को जीतने के काम में जिस प्रकार उतारा था, वह यह बताने के लिए काफ़ी है कि सभी स्तरों पर एक प्रकार की सामरिक तैयारियों के साथ पूरे भारत में जनतंत्र को रौन डालने और मोदी के नेतृत्व में एक दल का एक छत्र राज कायम करने का अभियान छेड़ दिया गया है। इसके अलावा मोदी जी संसद का, खास तौर पर राज्यसभा का अपमान करने में जिस प्रकार के निष्ठुरता का परिचय दे रहे हैं, वह संसदीय जनतंत्र के प्रति उनके अंदर गहराई तक बैठे हुए तिरस्कार के भाव का प्रमाण है। यूरोप में फासीवाद विरोधी संयुक्त मोर्चा और पॉपुलर फ्रंट का इतिहास हमें बताता है कि इस प्रकार के एक प्रकृत अर्थों में प्रभावशाली मोर्चे का रूप लेने में वहाँ 1931 से 1940 तक के लगभग 10 साल लग गए थे। पूरे यूरोप में संसदीय जनतंत्र में दक्षिण पंथ के सामान्य उभार के साथ इटली में मुसोलिनी के फासीवादी और जर्मनी में हिटलर के नाजीवादी शासन के अनेक दर्दनाक अनुभवों, हिटलर के नेतृत्व में युद्ध के मैदान में हिटलर, मुसोलिनी, तोजो की धुरी के निर्माण और इस धुरी के द्वारा एक के बाद एक देशों को रौंदते जाने के भयानक अनुभवों के बाद ही मित्र शक्तियों की सरकारों और जर्मनी सहित यूरोप के सभी देशों के प्रतिरोध आंदोलनों, रेजिस्टेंस मूवमेंट्स का संयुक्त मोर्चा बन पाया था, जिससे पहला इस धुरी की अग्रगति को रोकने के लिए दुनिया की सारी ताकतें युद्ध के मैदान में उतर पाई थी। दूसरा, यूरोप के प्रत्येक देश में प्रतिरोध के संघर्ष की एक यथार्थवादी नीति तैयार हो पाई थी, और तीसरा, इस धुरी के खिलाफ लड़ाई में उतरी हुई सरकारें उस प्रतिरोध की नीति पर अमल के लिए जरूरी सभी प्रकार की सहायता मुहैया कराने के लिए तैयार हो पाई थी। जब दुनिया के लोगों को संयुक्त प्रतिरोध का यह त्रिमुखी हथियार अर्थात त्रिशूल हासिल हुआ, तभी द्वितीय विश्व युद्ध में फासीवाद नाजीवाद की पराजय मुमकिन हुई थी। यूरोप के फासीवाद विरोधी इतिहास से यह भी पता चलता है कि बिहार के गठबंधन की तरह यूरोप में जब सभी देशों में फासीवाद विरोधी ताकतों के पॉपुलर फ्रंट के निर्माण की रणनीति अपनाई गई, तब 1936 के फरवरी महीने में स्पेन में और इसी वर्ष के मई महीने में फ्रांस में पॉपुलर फ्रंट की नाटकी जीती हुई थी। फिर भी यह तथ्य कि पॉपुलर फ्रंट बनने मात्र से इसमें शामिल रेडिकलों, कम्युनिस्टों और सोशलिस्टों के जन समर्थन में कोई बहुत बड़ी वृद्धि नहीं हुई थी और दक्षिण पंथियों का जन समर्थन बहुत ज़्यादा घटा नहीं था। यह तब था जब नाजीवाद और फासीवाद विरोधी ताकतों में आपस में जो विरोध थे, वे भी हिटलर के सत्ता में आने के बाद ज़्यादा दिनों तक नहीं बचे थे। जो कम्युनिस्ट पार्टी जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रबल विरोधी थी, उसने हिटलर के शासन के 18 महीने के अंदर ही आपसी मतभेदों को भुलाकर विपक्ष की सभी ताकतों के व्यापकतम संयुक्त मोर्चे की रणनीति को अपना दिया था। उन्हीं दिनों दक्षिण पंथियों के उभार के खिलाफ फ्रांस के कम्युनिस्टों ने कैथोलिक चर्च से हाथ मिलाया था
तो ब्रिटेन के कम्युनिस्टों ने कट्टर वाम विरोधी चर्चिल से मित्रता कर ली थी। अर्थात सिर्फ पॉपुलर फ्रंट का बनना और विपक्ष के दलों की एकता मात्र ही इस लड़ाई में हिटलर की के नेतृत्व की धुरी को, खास तौर पर दक्षिण पंथ के उभार को परास्त करने के लिए काफी नहीं था। इसीलिए 1939 में जर्मनी में हिटलर के युद्ध के अभियान को रोका नहीं जा सका था। यहाँ तक कि हिटलर के पोलैंड कूच के पहले तक ब्रिटेन और रूस दोनों में ही कुछ भ्रम था कि शायद कूटनीतिक पहलकदमियों से किसी प्रकार से हिटलर को काबू में किया जा सकेगा। उन्होंने जर्मनी से ऐसी कुछ संधियां भी की थी, लेकिन बाद के घटनाक्रम से साफ हो गया कि यह मुमकिन नहीं था। जैसे हिटलर के नाजीवाद के साथ किसी का भी निभा करना असंभव था, क्योंकि वह पूरी तरह से अविवेकपूर्ण और सीमाहीन सत्ता की लिप्सा पर टिका हुआ था। कमोबेश उसी प्रकार नाजीवाद के उन सारे लक्षणों को मोदी और आरएसएस के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में भी देखा जा सकता है। इसीलिए यदि हिटलर मुसोलिनी का मुकाबला चालू ढर्रे की राजनीति के बल पर करना नामुमकिन था, तो पूरे दावे के साथ कहा जा सकता है कि मोदी और आरएसएस का मुकाबला भी चालू प्रकार की राजनीति से नहीं किया जा सकता है। अर्थात इस प्रवृत्ति का मुकाबला सामान्य प्रकार की संसदीय राजनीतिक गतिविधियों से नहीं किया जा सकेगा। यह सच जितनी जल्दी सभी जनतांत्रिक राजनीतिक दलों की चिंता के केंद्र में आएगा, उतना ही इस देश के लिए भला होगा। जैसे हिटलर मान मनोबल की चीज़ नहीं था, आरएसएस और भाजपा के और आरएसएस और मोदी के साथ भी ऐसा ही मान कर चलना होगा। फासीवाद का मतलब ही था युद्ध, उसका मुकाबला सिर्फ कूटनीति से मुमकिन नहीं था। हिटलर ने यूरोप की उन सभी सरकारों के पैर के नीचे से जमीन निकाल दी थी जो उसके खिलाफ युद्ध में नहीं जाने का भ्रम पाले हुए थे। चर्चिल फासिस्ट इटली के पक्ष में था, लेकिन मसला इटली का नहीं, हिटलर का था। इस पूरे विषय में स्पेन के गृह युद्ध 1936 से 39 के अनुभवों से भी कुछ सीखा जा सकता है। यूरोप के भूगोल में स्पेन फ्रांस की सीमा से लगा हुआ, उसके दक्षिण पश्चिम में पिरेनीज पर्वत श्रृंखला की लंबी दीवार की वजह से एक प्रकार का कटा हुआ हिस्सा रहा है। जिस वजह से नेपोलियन की सेना स्पेन की ओर नहीं गई थी, उसी वजह से द्वितीय विश्व युद्ध भी स्पेन की ओर नहीं बढ़ पाया था। लेकिन मजे की बात यह है कि राजनीति की हवा इस कटे हुए हिस्से में भी ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं को लांग कर भी उसी प्रकार बह रही थी जैसी रूस को छोड़कर यूरोप के दूसरे हिस्सों में बह रही थी। दक्षिण पंथ का प्रसार यूरोप के अन्य देशों की तरह ही स्पेन में भी हुआ था, और इसके खिलाफ संयुक्त प्रतिरोध की राजनीति भी वहाँ फ्रांस की तरह ही पहुंची थी। जनरल फ्रांसिस फ्रैंको दक्षिण प्रांत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। 1936 में स्पेन में पॉपुलर फ्रंट की सरकार की जीत के बाद दक्षिण पंथी उसे स्वीकारने के लिए तैयार नहीं थे, और फ्रैंको के नेतृत्व में मैड्रिड पर सैनिक हमला कर दिया गया। स्पेन में इस दक्षिण पंथी विद्रोह का पूरे यूरोप से आए प्रगतिशील कलाकारों, बुद्धिजीवियों और जनतांत्रिक विचार के लोगों ने मिलकर जमकर 3 साल तक सशस्त्र मुकाबला किया। इसी काल को स्पेन का गृह युद्ध का काल कहा जाता है। हिटलर और मुसोलिनी की फौजों की विश्व युद्ध में जीतों ने स्पेन के दक्षिण पंथियों में अतिरिक्त उत्साह पैदा किया, और वे जनरल फ्रैंको के नेतृत्व में वहाँ के शासन को अपने हाथ में लेने में सफल हुए। लेकिन यह भी कहा जाता है कि 1939 में यदि विश्व युद्ध की शुरुआत नहीं हुई होती और सामान्य ढंग से ही 1940 में स्पेन में चुनाव हुए होते, तो कोई आश्चर्य नहीं है कि उस चुनाव में दक्षिण पंथी वहाँ विजयी हो गए होते। स्पेन विश्व युद्ध में शामिल नहीं हुआ, लेकिन फासीवाद के साथ उसकी बराबर सहानुभूति बनी रही। विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद भी फ्रैंको 1975 तक स्पेन का शासक बना रहा। यूरोप के दूसरे हिस्सों में युद्ध और स्पेन में गृह युद्ध का यह खास घटनाक्रम फासीवाद के खिलाफ लड़ाई के सभी आयामों के प्रति एक समग्र दृष्टि प्रदान कर सकता है। आज की दुनिया और भारत के अपने राजनीतिक इतिहास में भले यह मुमकिन न लगे कि हिटलर की तरह मोदी की कोई सेना भारत के सभी राज्यों को
सेना का प्रयोग करके कुचल डाले। सेना का बहुजातीय चरित्र भी ऐसा कभी नहीं होने दे सकता है। लेकिन बनारस में गुजरात के लोगों की एक पूरी प्रशिक्षित लोगों की फौज को उतार कर मोदी साहब जिस प्रकार का खेल खेल रहे थे, उसमें ताकत के बल पर राज्यों को अपने अधीन लाने वाला एक तत्व निश्चित तौर पर शामिल था। और इसीलिए राजनीति की लड़ाई में भारत की नाना राष्ट्रीय अस्मिताओं के प्रयोग की भी एक नई संभावना तैयार होती है। कहने का तात्पर्य सिर्फ यह है कि मोदी शाह आरएसएस की तुरत फुरत पूरे देश को अपने अधीन लाने की हमलावर योजनाओं को गंभीरता से देखना होगा, और इसके प्रतिरोध के लिए उतनी साफ समझ से राजनीतिक और सांगठनिक तैयारियां करनी होगी। आने वाले प्रत्येक चुनावी संघर्ष को इसी व्यापक राजनीतिक विचारधारात्मक और सांगठनिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। हर जगह हर चुनाव में सभी मोदी विरोधी ताकतों को अपनी पूरी शक्ति झोंक कर उन्हें मात देनी चाहिए। चुनावों में पराजित होने के बाद भी किसी भी प्रकार से अपनी सरकार कायम करने की उनकी साजिशों को विफल किया जाना चाहिए। खासतौर पर गुजरात के आगामी चुनाव में मोदी के खिलाफ कांग्रेस के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी और बसपा और अन्य सभी दलों के साथ ही वामपंथी दलों का एक व्यापकतम संयुक्त महागठबंधन कायम हो। जो भूल यूपी में हुई और जो भूल अभी दिल्ली में दोहराई जा रही है, उसे गुजरात में दोहराना भारत में जनतंत्र के लिए बहुत महंगा साबित होगा। मोदी सरकार की चरम विफलताओं से वह राजनीतिक जमीन तैयार हो रही है जिस पर उसकी पराजय को सुनिश्चित किया जा सकता है। यूरोप में फासीवाद के खिलाफ लड़ाई के तमाम अनुभवों से सबक लेते हुए अभी से उस दिशा में सभी मोदी विरोधी ताकतों को संयुक्त लड़ाई का नक्शा तैयार करने की जरूरत है। अंत में मजाज का एक शेर कहना चाहूँगा, बहुत मुश्किल है दुनिया का संवरना, तेरी जुल्फों का पेचो खम नहीं है।